हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक फेस मास्क बना के दिखाऊंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी इसे घर पे ज़रूर बना सकते हैं और आप बनाना भी चाहिए आपको, क्योंकि इतना सारा जो कोरोना वायरस फैला है इसके लिए, तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले रखा है। कॉटन का फैब्रिक है ये मेरा। इसकी लेंथ और विड्थ मैं बताती हूँ, तो 7 बाई 10 इंचज़ रखी है मैंने। जो इसकी विड्थ है वो 7 इंचज़ है और जो इसकी लेंथ है वो 10 इंचज़ है। ये डबल फैब्रिक है मेरा, सेम मेजरमेंट का है, तो इसको बीच में से हम फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, तो देखिए इस तरह से हम ये फैब्रिक रखेंगे। इसको एक बार मैंने फोल्ड किया, फिर इसको एक और बार इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। इसकी लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रख दिया मैंने, और ऊपर साइड से मैं 2 इंचज़ लूँगी। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, फिर इसके बाद नीचे साइड पर जो यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 मार्क मिल गए हैं। उसके बाद हम एक शेप देंगे जो इस तरह से रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें शेप देना है। इसमें ऊपर से हम सीधा आएंगे, फिर थोड़ा सा अंदर से हम अंदर से गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे, फिर नीचे साइड पे हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसमें शेप देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से शेप हमने ड्रॉ करनी है। शेप मैंने ड्रॉ कर ली है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जस्ट जो हमने ड्रॉ किया है उस पर ही हमें कटिंग करनी है। सेम पैटर्न है हमारा दोनों, जो हमने 2 पीसेस लिए थे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर साइड मैंने जो 2 इंच लिया था, आप वहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें जो ये जॉइंट है इसका नीचे साइड से, उससे भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें ये 2 पीसेज मिल गए हैं, अलग अलग 4 पीसेज ये टोटल मेरे। अब मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाऊंगी कैसे इसे स्टिच करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल मेरे 4 पीसेस हैं। तो जो हमारे दो ऊपर के जो 2 पीस हैं उसे हम एक साथ अटैच करेंगे, फिर नीचे वाले दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा नीचे का था, यहाँ से हम इसे पकड़ के इस तरह से रखेंगे, फिर इसे पे हम एक सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच से भी कम हमें रख के सिलाई लगानी है। इसमें सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है। तो आइए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। ऐसे ही मैं दूसरे पीस को भी बराबर से रख के स्टिच कर लूँगी। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट करके हटा दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह का इसमें शेप बन के आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों पीसेस पे बिल्कुल सेम मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको मैं मुझे क्या करना है, इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊँगी ताकि इसको मैं जब मोड़ूँ तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। तो इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाते समय आप ध्यान रखिए थ्रेड नहीं कटना चाहिए। तो दोनों पीसेस में मैंने सेम कट लगा दिए हैं। अब मैं इसको एक के साथ एक रख के अटैच करूँगी, तो सीधा जो सिलाई वाला जो पार्ट रहेगा दोनों ऊपर साइड पे रहेगा, मतलब सीधे पे सीधा रखना है इसको हमें। फिर इसके इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। जो इधर साइड वाला है इधर साइड में हम खुला रखेंगे, और इसके ऊपर और नीचे साइड पर हमें सिलाई लगानी है, साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है। आप चाहे तो सिलाई करने से पहले इसे कच्चा कर लीजिए, या फिर आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं। तो इसके साइड में हमें खुला रखना है, और ऊपर और नीचे साइड पे हमें सिलाई लगानी है। तो आइए मैं आपको इसे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसके किनारे साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 बार सिलाई लगा के फिक्स कर दूँगी। एक तरफ मैंने सिलाई लगा दी है, सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड पे भी किनारे साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। दोनों फैब्रिक को बराबर से रखने के बाद सिलाई लगानी है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि जब मैं इसे टर्न करूँ, टर्न करने के बाद ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगा। तो अब मैं ये हो चुका है मेरा, अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, सीधा कर लेती हूँ अपनी तरफ पे। इस मास्क का यूज़ आप स्पेशली जो डस्ट वगैरह होती है उससे, और जो वायरल इन्फेक्शन जैसे आप देख रहे हैं चल रहा है, तो उन सब से बचने के लिए आप इस मास्क का यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी भी, आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना वायरस के लिए ही, आप किसी भी जो आपका अगर वायरल फीवर है, जैसे ये आपके फेस के साइड पे आएगा और ये ऊपर साइड पे रहेगा, ये
आप चाहें तो इस पे आयरन भी कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका जो खुला साइड पे है उधर साइड पे हम पहले मेजर करेंगे कितना है ये। तो देखिए इस तरह से ये 3.5 इंच पे पूरा है, ये दोनों साइड पे 3.5 इंच है। तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे मैं इसमें एक प्लीट डालूँगी बीच में इसके मिड में। आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ इसमें एक ही प्लीट डालनी है। तो इसको मिड में निशान लगाने के बाद इसमें एक प्लीट डाल दूँगी दोनों साइड पे। अगर आपको इसमें प्लीट नहीं डालनी हो तभी भी चलेगा ये। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें प्लीट डाल दी है, प्लीट डालने के बाद हम इसका मेज़र कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे मेरा 2.5 इंचेस है। तो पहले तो ये 3.5 इंच था, अब मैंने इसको जो प्लीट डाला है तो ये 2.5 इंच हो गई है। इसको मैं कवर करने के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, आप देख सकते हैं इसको बीच में से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। इसको मैं कट कर लूँगी, इसके दोनों साइड पे लगाने के लिए मुझे चाहिए होगी पट्टी। तो इसको मैंने कट कर लिया है, इसे साइड से बराबर कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया है, अब बीच में भी जॉइंट है ये, तो इधर से भी मैं कट कर लूँगी इसको। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये कटिंग हो चुकी है मेरी। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। तो 2.5 इंच है ये। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे, अब इसको लगाएंगे उसके उल्टे साइड पे रख के, हमें इसे सीधे साइड पे टर्न करना है। तो दोनों साइड पे उल्टे साइड पे रख के हमें स्टिच कर लेना है ये। तो आइए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। आप बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको मैं उल्टे साइड पे सीधे साइड पे टर्न करूँगी। तो मैं लगा लेती हूँ इसे, 1/2 इंच के गैप पे स्टिच कर रही हूँ मैं। तो देखिए सिलाई लगा दी है मैंने, अब मैं इसको सीधे साइड पे एक और बार सिलाई लगानी है इसके, उस शुरू से लगाएंगे हम। तो देखिए दोनों तरफ में मैंने सिलाई लगा ली है, पट्टी जोड़ ली है मैंने इसमें। अब हमें जो लास्टिक इसके अंदर ऐड करनी है उसकी, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ हमें देखनी है कितनी रखनी है। तो लेंथ मैं रख रही हूँ इसकी 6 इंचेस। आप लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि ये लास्टिक है तो और इस पर खींचेगा ये। तो मैंने 6 इंचेस रखा हुआ है इस तरह से, देखिए। तो देखिए इस तरह से मुझे 2 स्ट्रिप मिल गई है। अब मैं इसकी जो फैब्रिक है उसको मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो लास्टिक को हम बीच में रखेंगे ऊपर साइड पे, फिर हमें फैब्रिक को अंदर हाफ मोड़ेंगे, फिर एक और बार मोड़ देंगे इस पर। तो कुछ इस तरह से हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये, इसको मैं कट करूँगी। तो साइड से 1/2 इंच के लगभग थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद हम साइड से कटिंग कर देंगे इसकी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं साइड में जो हमारा फैब्रिक था इधर मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि फिनिशिंग इसमें दिखे। तो दोनों साइड पे हमें सिलाई लगानी है, जो उसके पूरे साइड पे है साइड की जो हमें सिलाई लगा देनी है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, सिलाई लगा दी है मैंने। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक रख के दिखाती हूँ। तो ऊपर साइड पर हमें इस इलास्टिक रखनी है, फिर हम पहले 1/2 इंच मोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पूरा कवर कर देंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो इलास्टिक है उस पर उसके ऊपर है सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड में कट कर दूंगी। अब इसके बाद देखिए मैं इलास्टिक को खींच के दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल आराम से इस पर सिलाई नहीं हुई है। इसको मैं साइड किनारे से पकड़ के यहाँ आप साइड्स पे सिलाई लगा दूंगी एक दो बार पे, ये फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं सिलाई लगा देती हूँ इस पर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, ये फिर ये फिक्स हो गया है। अब मैं आपको ये जो सिलाई वाला पोर्शन था इसको मैं अंदर करूँगी, इस फैब्रिक के जो हमने साइड में सिलाई लगाई हुई थी 1/2 इंच की करके। तो इसको हम अंदर इसके अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से खींचना है इलास्टिक को फैब्रिक के अंदर। तो देखिए इस तरह से ये अंदर चला गया है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने रखा हुआ इलास्टिक को बीच में हम रखेंगे, फिर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार करके इसके अंदर से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसे सिलाई लगा दी है मैंने, अब मैं ऊपर साइड पे जो ओपन पार्ट था इधर साइड से हमें सिलाई लगा देंगे इस पे भी। तो देखिए इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं इसको भी फैब्रिक के अंदर अच्छे से अंदर कर दूंगी। इसको खींचना बिल्कुल आराम से खींचेंगे ताकि ये अंदर चला जाए इस फैब्रिक के अंदर, फिर ये कवर हो जाएगा उससे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। तो देखिए इसका ये ऊपर का पार्ट है और ये अंदर फेस के साइड पे रहेगा ये। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फेस मास्क बना के रेडी कर दिया है।
आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।